प्रेम विवाह करने या सहयोग देने वालों को काफी कुछ भुगतना पड़ता है। इस तरह के एक मामले में एक ग्रामीण अपने पूरे परिवार के साथ चार दिनों से घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जबकि इस परिवार का कहना है कि लड़की परिवार को गलत फहमी है, उसने लड़की भगाने में कोई मदद नहीं की। संबंधित थाना किशनगंज भी इस मामले में टालमटोल कर रहा है। आखिर पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहाँ। किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सातेर से गत दिनों एक आदिवासी युवक राठौर समाज की लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते भगा ले गया। लड़की के परिजनों व रिश्तेदारों को शक है कि आदिवासी युवक चिंटू को दूध व्यवसायी सरदार सिंह ने बहकाया, तभी वह लड़की लेकर भागा। इसी बात के चलते राठौर परिवार के लोगों ने पहलवान के घर पर पथराव कर दिया तथा घर में आग लगाने की कोशिश। जैसे तैसे परिवार किशनगंज थाने पहुंचा, लेकिन यहां भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। अब यह परिवार पिछले चार दिनों से यहां वहां अपनी जान बचाकर भागता फिर रहा है। उसे कहीं से राहत नहीं मिल रही। मुखिया सरदार सिंह का कहना है कि गांव के ही कुछ लोग उससे रंजिश रखते हैं, इसीलिए कुछ लोग लड़की के परिवार वालों को भड़का रहे हैं। ये सब फुटकर कर मार रहे हैं, इनको ले जाके थाने में जो है अपने शरण में ले लो, ताकि कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी। तो फिर इन लोगों को मैंने घर में घेरे और ये दोनों छोरों को मैंने थाने भेज दिया। तो पथराव आपके सामने हुआ था क्या? हाँ, मेरे सामने। इधर किशनगंज थाना प्रभारी का कहना है कि सरदार सिंह ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब लिखित शिकायत की है, जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। सूचना मिली थी कि पत्थरराव हो रहा है, पुलिस गई थी लेकिन वहां कोई पत्थर उत्थर नहीं दिखे थे और इनको सूचना दी गई थी कि आगे थाने आप शिकायत कर दें। तो आने के लिए और ज़्यादा दिक्कत हो तो और बताएं, तो इनको जो है आए थे थाने बोल के आ गए थे और उसके बाद से आए थे, इनने थाने में एक शिकायत दिया है और जिसकी जांच की जा रही है। और रही बात इनका कहना है कि घर से उनके दबाव में छोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। अगर कोई भी इन्हें परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।